नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। एक बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूं। एक छोटा सा टॉपिक मुझे पता चला, एक पेशेंट ने मुझसे ये कहा कि सर क्या मेरे जोड़ों में दर्द रहता है और मैं सलाद खा सकता हूँ कि नहीं, और सलाद में भी स्पेशली प्याज खा सकता हूँ कि नहीं। बाकी सलाद के बारे में तो उसने पूछा ही पूछा, साथ में स्पेशली पूछा कि मैं प्याज खा सकता हूँ कि नहीं, और मुझे सियाटिका के पेन में और जोड़ों के दर्द में सलाद खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपने वीडियोस में सभी में बताया है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करनी है, हरी सब्जियाँ सलाद खूब मात्रा में खाना है और फल खाना चाहिए कि नहीं। तो ये दोनों सवाल मुझे बड़े थोड़े से मुझे शुरू में लगे मजाकिया तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो हरी सब्जियां अब खाना चालू किया है उन्होंने, वीडियोस के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ी है, पर वो सैलेड खाने में अभी भी डरते हैं और फ्रूट्स भी खाने में। सैलेड खाने में इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सलाद ठंडा होता है, बॉडी के लिए ठंडक प्रदान करता है और बॉडी की तासीर को ठंडी कर देगा और जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। और दूसरा, चूंकि फ्रूट्स अभी जो आते हैं उसमें मीठे फल के साथ साथ में मैंने सिट्रस फ्रूट भी बोला है, नींबू संतरा मौसम्बी, तो उन्हें लगता है कि खट्टे फल खाने से या खट्टी चीज़ें खाने से जोड़ों में दर्द बढ़ता है। पर खट्टे फ्रूट्स खाने से जोड़ों में दर्द बढ़ता है क्या, ये किसी ने नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा। खैर, अच्छी बात है, मैं आपको इसका ये लॉजिक आपका क्लियर कर दूं कि आपको आपका सवाल क्लियर कर दूं कि आप ठंडा फ्रिज से तुरंत निकाल कर सब्जियों को और फिर सैलेड बना के तुरंत खा रहे हैं वैसा ना करें। सब्जियों को एक नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएं, फिर से निकाल कर रख दें टमाटर को, और 5 से 10 मिनट बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है उसके बाद आप उसको काट के खाएं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको तकलीफ हो रही थी केवल ठंडा खाने की वजह से, और वो भी आपको केवल थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी जॉइंट में थोड़ा सा पेन हो यदि आप ठंडा खा रहे हैं, होता है। और रही खट्टे फलों की बात, तो खट्टे फ्रूट्स खाने से सिट्रस फ्रूट में केवल विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपकी बोन्स के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए, मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको खाना ही खाना है, इससे कोई समस्या नहीं है। हाँ, एकदम सुबह और एकदम शाम को जहाँ जब ठंडा टाइम होता है तब आपको इस तरह के फ्रूट्स नहीं खाने हैं या आपको नींबू नहीं खाना है। बाकी टाइम में आप 9 बजे के बाद जब इन्वायरमेंट में ठंडक खत्म हो जाए तो आप ले लीजिए, या आप जब खाना खा रहे हैं तो अपने खाने में गर्म गर्म जब खाना आपका आता है तो गर्मा गर्म खाने के साथ नींबू खा लीजिए, आपको विटामिन सी मिलेगा और आपके जॉइंट्स अच्छे होंगे, आपकी मसल्स अच्छी होगी। इस तरह की सोच बनाना कि मैं खट्टा खा लूँगा या मैं खट्टे फल खाऊंगा तो मुझे जॉइंट पेन होगा, ये बहुत गलत है। इस तरह की जानकारी आप ना रखें, और अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई है उसमें मैंने जूसेस बताए हुए हैं, ग्रीन वेजिटेबल जूसेस बताई है मॉर्निंग में, और ग्रीन वेजिटेबल सारी सब्जियां सलाद खूब खाने में को बोला है। सैलेड्स खाइए, आपके लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा रहेगा, आपके जॉइंट पेन अच्छे रहेंगे, आपके सियाटिका के पेन के लिए बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और इस जो मिथ्या बात थी इसको ठीक करिए। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का आएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।